Barbara. जो होले करिया आ जते कलर तो आखरी तीन कलर होले लाल होले लाल से उजला होले उजला से करिया हो जते तोरे जे ये गाय है गाय दादी ने दस दिन में बच्चा देता है भांतिया तो लो है ना कहूं का अभी ना हमारा लक्ष्मी देगा तो हम अपना का बाछी भी आ गले तो 5000 और बढ़ जाते अगली 5000 कम हुए ये सब कह लिया ये सब अपना पाले हुए हैं। हाँ अपना एगो भैंस है, सब बाछी वगैरह है ना, इसीलिए 50000 में है। ये वाला 50000 का भैंस है। हाँ जी, तो खैर राघोपुर क्षेत्र में जो है ना एकदम सुनसान वीरान सा सारा माहौल है और रास्ता में कहीं एक भी गाड़ी नहीं दिखा था। नहीं रोड से चलता है गाड़ी घोड़ा, तो ढाल वाला पुल दिया है ना। हाँ, ये ढाल हो गया। अच्छा, हम लोग गाँव आगे तक जमीन पर था वो ढाल था। ये हमने बच्चे क्या को बुआ पांच भाई ना दिस गुड कभी अन्य दुकान है चला ले ले सब खेल रहा है ना। यारवा में छोड़ के दूर चले तो जाए थक गए काहे हो यहाँ बालू ना है गोर पीछे घिंचा सरकार का उम्दा काम है। देख बड़े इतना जंगल है ना। अच्छा, देखो करकट है ना, देखो पानी ऊपर लग चल जाए। अच्छा, अंदर से जंगल खत्म हो रहा है यार। हाँ, तो जो जमीन में फूल गड़ा गया है। हाँ, जमीन में फिर कुछ अनाज होता है ना, फूले फूले का है। हाँ, सरकार का तो काम ठीक जा रहा है। नहीं, हाँ। सब बच्चों को देखिए सब खेल रहा है और इधर देखिए कुछ बच्चे लोग को ये सब पढ़ाई कर रहा है। उधर तक जमीन है। आ? उधर तक जमीन है किसका? हमार। हाँ, जहाँ बड़का बाबू के घर देखा। हाँ, वहाँ पर भी जमीन है। बिस्कुट ले ले बाबा। इनका घर आगे है गोतिया है। कटनी के समय में गेहूँ कटनी के समय में वो घर आ आदमी लुक लुक करता है। हाँ, तो रहते बाहर। हाँ, कुछ उस कटनी के समय कुछ लोग दिखता है। नहीं, हाँ, बहुत लोग दिखाई देगा। हाँ, सबके दूरा पर के हमें बुझाएगा इनका जादे। हाँ, सो फ्रेंड्स, आज मैं राघोपुर डियर क्षेत्र घूमने के लिए आया हुआ हूँ और
और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे वीडियो में आगे आपको दिखाया जाएगा कि राघोपुर से क्षेत्र आखिर टाल क्यों कहा जाता है और क्यों वहाँ के लोग हर साल पलायन करने को मजबूर है, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कंटेंट में, और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और ये देखिए, ये इसका घर है, कुर्सी ले आओ वाले बच्चे को। ये इसका घर है सोम प्रकाश का। देखिए कितना हार्ड स्ट्रगल है इन लोगों का। ये अभी लेके आए हैं, पानी पटा के ले। इसके फादर हुए सोम प्रकाश के। यहीं पर हम लोग जो है बैठे हुए हैं, नदी तक लगे उन्हें घर बना देंगे, उधर रखेंगे 3-4 तल्ला मकान। हाँ, इधर तो ये वाला मकान जो है कि यहाँ बनाना है नहीं। हाँ, कोठा वाला बना देंगे। अच्छा, झोपड़ी भी डूब जाता है, उदू फटी नजर आवा है बना। हाँ, उदू में फट जाए डूब जाएगा। कौन ये दोनों? हाँ, अच्छा ये जो बना हुआ टीला। हाँ, डूब जाएगा ये सारा झोपड़ी डूब जाता है ना। खाना खोज रहा है, खाना मिलता है नादी उदी पर जाएगा ना, दर्रा उर्रा मिलेगा। अच्छा, इसको बगुला ना है। तिंगी ज्यादा धड़ेगा ये लोग। ये देखिए छोटा सा दुकान है, ये गंगा किनारे दियर किनारे। अच्छा देख रहे हैं, राघोपुर में उतारेगा, जफराबाद में उतारेगा, टर्लिंग टर्लिंग रहेगा। अच्छा, जन्ना से गाड़ी घुमाए ना उन्हें, जफराबाद है। हाँ, हेमतपुर में। अच्छा, सारा तीर का क्षेत्र। देख लेंगे। अच्छा, वापस आ गए हैं। कभी देखता नहीं ना इन लोग। बच्चा भी नहीं हका जाता है। हाँ, इक्का दुक्का लोग आता जाता है। चाय पानी नाश्ता गा भी नहीं पा रहे। अच्छा, गा देखिए गांव में एकदम जो है कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हरियाली चल रहा है, जान भैंसा है, भैंस में भैंसा है, भैंसा है। हाँ, तभी तो कहे इतना हेल्दी का है। हाइब्रिड है इसको, देखिए कितना मस्त है। तो इसको कोई पालता है कि नहीं? पालता है, कहीं छुट्टा है। छुट्टा है। हाँ, छुट्टा। ये अपना ही जंगल में खाते पीते रहेगा। बस बस मस्त है जे ना, देखिए। हाँ, ये अपन जंगल के शेर है। हाँ, अगर वो क्षेत्र के भैंस आ जाएगा तो खड़ा ना हो जाएगा। इससे हरा भरा फसल और कहाँ मिलेगा खाने के लिए? नहीं, कौन है कहीं आबादी वाला मिलेगा। इससे बढ़िया और क्या खाना है? घुस जाएगा। हाँ, एक नंबर अनाज हुआ। अच्छा, ये गेहूँ है? गेहूँ में जौ सब है। हाँ, सरसों है। हाँ, ये आलू है। अच्छा, ये आलू है।
देखिए बच्चे को इस तरह से बैठी हुई है। हम लोग को देखकर डर गई, रोने लगी। और ये देखिए बैर का पेड़ है, इतना नीचे है बैर। देखिए देखता हूँ ये चीज को खाकर, जाम सड़के भीषण जाम है यहाँ पे। आराम से भाई भाई भाई, भाई।